Hello dear all, welcome to my YouTube channel. Today I have for class 12 short questions, 2 markers from the poem Aunt Jennifer's Tigers from your text Flamingo. So let's begin with question number 1, short questions. How are Aunt Jennifer's tigers described by the poet? आंट जेनिफर जो अपने टाइगर्स जो बना रही होती है स्क्रीन पर उनको कैसे डिस्क्राइब करती है. फर्स्ट इज शाइनिंग टोपाज ब्राइट येलो. टोपाज होते हैं ब्राइट येलो, तो ब्राइट येलो कलर्ड टाइगर्स. सेकेंड है डेनिसंस ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, कि वो जो इनहैबिटेंट्स हैं वो रहने वाले हैं. टाइगर्स कहाँ रहते हैं? इन द ग्रीन फॉरेस्ट, जंगल में. और थर्ड इज़ बोल्ड फियरलेस गैलेंट कॉन्फिडेंट, वो बहुत बहादुर हैं, ब्रेव हैं और कॉन्फिडेंट हैं. एंड नेक्स्ट इज पेस एंड स्लीक शिवलरिक सर्टेंटी, वो क्विक स्टेप से जो हैं बहुत ब्रेवली और कॉन्फिडेंस से चलते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा व्हाई आर दे नॉट अफ्रेड ऑफ मैन बीनीथ द ट्री. जो टाइगर्स हैं वो जो हंटर्स मैन जो हंटर्स हैं जो पेड़ के नीचे हैं उनसे क्यों नहीं डरते? क्योंकि उनमें बहुत करेज है एंड फियरलेसनेस है, बिल्कुल निडर हैं वो. और ये चीज़ें इनको कॉन्फिडेंस देती है, गिव्स देम द कॉन्फिडेंस. अनडिटर्ड बाय एनी हिंड्रेंसेस, उनको कोई भी रुकावट, हिंड्रेंसेस होती हैं बाधाएँ रुकावट, कोई भी रुकावट उनको रोक नहीं सकती. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज आंट जेनिफर फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुल द आइवरी नीडल. आंट जेनिफर को क्यों मुश्किल आती है वो आइवरी नीडल को पुल करने में? सबसे पहले उनके जो हैंड्स हैं वो कांप रहे होते हैं, दे वर ट्रेम्बलिंग व्हेन शी इज निटिंग द टाइगर्स ऑन द पैनल. वो वुलन पीस ऑफ क्लॉथ पर जब वो टाइगर्स बुन रही है तो उसके हाथ जो है कांप रहे हैं. क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि वो नर्वस है एंड टेरिफाइड, डरी हुई है. और क्योंकि वो लाइफ जो है कॉन्स्टेंट फियर एंड डोमिनेशन की जी रही है, और वो विक्टिम भी है जेंडर ऑपरेशन की, मतलब अत्याचार की. उसके हस्बैंड जो है उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, सो उसको इन कारणों से बहुत मुश्किल होती है वो आइवरी नीडल को पुल करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ कंट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर टाइगर्स. आंट जेनिफर और टाइगर्स में क्या अंतर था? आंट जेनिफर है वो बहुत मीक है, सबमिसिव है, डरी हुई है, फियरफुल है, नर्वस है. एंड उसके जो टाइगर्स जो उसने बना रही है वो ब्रेव हैं, फियरलेस हैं, बिल्कुल निडर और कॉन्फिडेंट हैं, गैलेंट हैं. नेक्स्ट है हमारा मैरिटल कंस्ट्रेंट्स, उसको बहुत बंदिशें हैं मैरिड लाइफ की, और ऑब्लिगेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं. जबकि जो टाइगर्स हैं वो शो कर रहे हैं वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, आज़ादी. एंड नेक्स्ट इज हार्डशिप्स ऑफ मैरिड लाइफ, उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और वो विक्टिम है ऑपरेशन की. ऑपरेशन का मतलब मैंने बताया था अत्याचार, कि वो विक्टिम है. जबकि टाइगर्स जो हैं वो मास्टर हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं और वो मेल डोमिनेंस को शो करते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट डज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इम्प्लाई. ये जो है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये एक आती है फ्रेज आता है उसमें हमारी पोइम में. और इसमें इसका क्या मतलब है? वो सिम्बलाइज करता है द ऑर्डेल्स इन हार्डशिप्स, जो मुश्किलें जो मैरिड लाइफ में आती हैं, ऑफ मैरिड लाइफ. दूसरा मेल पावर एंड डोमिनेंस. तीसरा है बर्डन ऑफ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है उसके ऊपर. एंड फोर्थ है जेंडर ऑपरेशन, ऑपरेशन बाय हर मेल काउंटर पार्ट, जो उसका हस्बैंड है उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट विल हैपन
व्हेन आंट जेनिफर इज डेड, क्या होगा जब आंट जेनिफर मर जाएगी। जो उसकी लॉन्गिंग थी, उसकी डिज़ायर थी, उसकी इच्छा थी आज़ादी की, फॉर फ्रीडम, वो अधूरी रह जाएगी, विल रिमेन अनफुलफिल्ड। टाइगर्स क्रिएटेड बाय हर, जो टाइगर्स वो बना रही है, बुन रही है उस वुलन पीस ऑफ क्लॉथ पर, विल कीप प्रांसिंग, वो क्विक स्टेप से प्राउडली और बिना डरे चलते रहेंगे। और थर्ड है कि हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, जो उसकी मुश्किलें हैं लाइफ की, वो कंटिन्यू रहेंगी इवन आफ्टर हर डेथ। नेक्स्ट इज, व्हाट इज अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल का वेडिंग बैंड का क्या मतलब है। वेडिंग बैंड क्या होता है, वेडिंग रिंग गिवन बाय आंट जेनिफर्स हस्बैंड, जो अंकल ने उसको उनको वेडिंग रिंग दी थी एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाई इज इट सेड सिट्स हेवली, क्यों बोला गया कि सिट्स हेवली। सिट्स हेवली इसलिए बोला गया बिकॉज इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन, जो अत्याचार उसके हस्बैंड उस पर करते थे, वो है सिंबल सिट्स हेवली का। नेक्स्ट इज, व्हाट डू रिंग एंड फिंगर्स सिंबलाइज, रिंग और फिंगर्स दोनों सिंबल्स हैं पोइम में, तो क्या सिंबलाइज करते हैं इन आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो ये हमारी पोइम है। रिंग जो है सिंबल है ऑफ अ बाइंडिंग मैरिज, ऐसी मैरिज जिसमें बहुत बंदिशें हैं, फुल ऑफ ऑपरेशन, जिसमें बहुत अत्याचार करते हैं हस्बैंड, एंड कटेलिंग ऑफ फ्रीडम, जिसमें उसको पूरी आज़ादी नहीं है। एंड देन फिंगर्स हैं, वो क्या सिम्बॉलिक है, वो सिंबल है नर्वसनेस के, घबराहट जो उसको होती थी, एंड फियर, डर होता था एक्सपीरियंस्ड बाय आंट जेनिफर। आंट जेनिफर को जो घबराहट या डर होती थी अपने हस्बैंड से, नर्वसनेस एंड फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द पोइट, पहले हम पोइट के बारे में बात करेंगे, द पोइट इज एड्रियन ब्रिज। एंड सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, वॉट डज शी वॉन्ट टू शो थ्रू आंट जेनिफर्स क्रिएशन ऑफ आर्ट, पोइट क्या दिखाना चाह रही है हमें आंट जेनिफर का क्रिएशन ऑफ आर्ट, मतलब जो वो वुलन पीस ऑफ क्लॉथ पर जो बना रही थी, बुन रही थी टाइगर्स, उसके थ्रू हमें क्या बताना चाह रही है। वो बताना चाह रही है, शी शोज आंट जेनिफर्स डिज़ायर फॉर फ्रीडम, कि उसमें कितनी डिज़ायर है, इच्छा है आज़ादी की थ्रू द टाइगर्स, वो ये बताना चाह रही है। और ये वो अपना बिटरनेस, गुस्सा एंड एंगर दिखाना चाह रही है अगेंस्ट मेल डोमिनेंस, कि मेल जो डोमिनेट करने की क्यों कोशिश करते हैं फीमेल्स को। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज़ द टेंथ क्वेश्चन इज हाउ डज द पोइट पोट्री अ पिक्चर ऑफ मेल शोविनिज्म। मेल शोविनिज्म मीन्स मेल ऑपरेशन, मेल का अत्याचार, इन द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो कैसे हमें एक पिक्चर दिखाती है कि मेल जो हैं बहुत अत्याचार करते हैं फीमेल्स पे, इस पोइम में, जो पोइम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। वो पहला है पॉइंट कि आंट जेनिफर बहुत, हमें पता चलते पोइम के थ्रू के, फेस्ड ग्रेट हार्डशिप्स इन अ मैरिड लाइफ, उसको बहुत मुश्किलें आती हैं अपनी मैरिड लाइफ में, लेड टेरिफाइंग एंड ऑप्रेस लाइफ, उसने बहुत डरी हुई और बहुत ही अत्याचारों भरी जिंदगी वो जीती है मैरिड लाइफ, और वो डोमिनेटेड होती है अपने हस्बैंड द्वारा, और विक्टिम ऑफ स्लेवरी भी होती है, दैट मीन्स शी इज़ विक्टिम ऑफ स्लेवरी। उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत काम करने पड़ते हैं, और फिर भी उसको जो है अपना ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। सो ये शो करता है कि वो मेल शोविनिज्म, उसमें मेल ऑपरेशन, मेल द्वारा अत्याचार जो आंट जेनिफर के ऊपर किए जाते हैं, आंट जेनिफर के ऊपर कौन अत्याचार करता है, उनके हस्बैंड। सो दिस टेल्स अस अबाउट मेल शोविनिज्म। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। थैंक यू to you all for your patient listening. If you like my video, kindly like, share and subscribe. And let's wait for the next video to come. Have a nice day. Goodbye.